फसल सड़ रही है, किसान का किसान वैसे ही मरा जा रहा है, उसका भाड़ा भी नहीं निकल रहा है इस रेट में। 70 रुपए के रेट में कैसे भाड़ा निकलेगा उसका? मान लो मंडी का ही भाड़ा है, मान लो भाड़ा है, बताओ कैसे निकलेगा? सर जी मैं बताओ सही, 11 महीने में मद्दा बिकता है, किसान का माल मद्दा बिकता है, 1 महीना महंगा बिकता है, तो क्या होगा? पैसा नहीं उसमें बेहतर खराब होगा? 11 महीने मान लो 10 रुपए किलो टमाटर खाते हो, मान लो किसान का कहाँ जाएगा बताओ सही। अच्छा अब आपने बोला कि 10 रुपए जब टमाटर बिकता है तब किसान कहाँ जाए? हाँ। तो अब मेरी एक बात सुनिए, अभी इस समय 200 रुपए किलो है, ठीक है? आम आदमी के पास अगर 200 रुपए नहीं होगा तो 200 रुपए किलो का टमाटर कैसे खरीदेगा? फिर आपके पास वो पैसा कहाँ से आएगा? मेरी बात सुनो, जब 10 रुपए किलो टमाटर खरीदते हो तो फिर पैसा कहाँ से आता है? तो 10 रुपए होता है तो किलो सस्ता होता है ना, तब तो आम आदमी खरीदता है। देखिए ग्राहक भी तो इस बात से सहमत है। सहमत है? मेरी बात सुनो, जब 10 रुपए किलो बिक रहा है, 10 रुपए किलो बिकता है, तो मान लो किसान का मान लो भाड़ा कैसे निकला बताओ सही? 70 रुपए के रेट है, 10 रुपए अगर जब आता होगा तो आप सस्ता खरीदते भी तो होंगे। मेरी बात, 70 रुपए के रेट में किसान कैसे भाड़ा निकले बताओ सही? 70 रुपए के रेट में कैसे भाड़ा निकलेगा उसका? मान लो मंडी का ही भाड़ा है, मान लो भाड़ा है, बताओ कैसे निकलेगा? लेबर के भी भाड़ बताओ सही? आते हैं कि इस समय जो टमाटर का भाव सही होना चाहिए, 1 महीने में अगर रहता है, सिर्फ 1 महीने, 1 महीने में अगर रहता है तो सही है, 1 महीने ऐसे रहे तो सही है। शिमला से आता है ये बात, बाहर का टमाटर, यहाँ का टमाटर नहीं है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये टमाटर क्यों महंगा है, कहाँ से आ रहा है, क्या कारण है? कालेबाजारी हो रही है, सरकार क्या कर रही है? मेरी बात सुनो, जब मान लो जब 10 रुपए किलो टमाटर बिकता है, बारिश हो रही है, सड़ रही है, फसल सड़ रही है, किसान का किसान वैसे ही मरा जा रहा है, उसका भाड़ा भी नहीं निकल रहा इस रेट में, किसान का भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा है, उनको तो किसान को ही पता है। बिल्कुल, अब ये तो आढ़े थी कमा रहे होंगे, जो कमा रहे होंगे उन्हें पता होगी, वो महंगा दे रहे थे, महंगा भी। बिल्कुल यही बात मैं बोल रहा हूँ कि आप जब महंगा खरीद रहे हैं तो आप महंगा तो बेचेंगे, लेकिन उस महंगाई का कारण क्या है? आपने बताया कि इस समय जो बरसात हो रही है उसके कारण जो है फसलें सड़ रही हैं, तो ये एक कारण हो गया। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है, टमाटर की कालेबाजारी हो रही है, टमाटर बहुत ज्यादा है लेकिन जो है उसको छिपाया जा रहा है, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं छिपा रही सरकार, कालाबाजारी नहीं। ये टमाटर कहाँ से आते हैं? जैसे भाई साहब ने कहा शिमला से, बंगलोर, शिमला, बॉम्बे से आती है, अब वहाँ देख रहे हो बारिश कितनी तगड़ी हो रही है, और वो सड़ रही है, फसल सड़ रही है, जो भी बच रहा किसान उसका लेके आ रहा है, और तो ये देखो कि यहाँ मिल भी रहा है, गांव में तो मिल भी नहीं रहा है, इतना महंगा कौन खाएगा गांव में? बिल्कुल, तो देखिए इनका यही मानना है कि ये टमाटर जो है शिमला से आता है।